हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन लगभग 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लगभग 1.67%। हमने शुरू में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था, मगर लो से थोड़ा सा रिकवर होकर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है लगभग 34,500 के अराउंड। तो यह एज एक्सपेक्टेड सेल ऑफ कंटिन्यू है और यह जो इन्वेस्टर है वो मार्केट से निकल रहे हैं। अभी देखते हैं कि अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उसका ट्रेंड और बाकी चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस महीने के लिए ऑलरेडी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 1800 पॉइंट नीचे, लगभग 5% डाउन ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ हमने भी लगभग 5% का ही लॉस देखा था और 1850 पॉइंट नीचे बंद हुआ था बैंक निफ्टी। इस महीने ऑलरेडी हम सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी हम ऑलरेडी 1800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। यहाँ जो है तो हम पीओट के नीचे स्लिप कर चुके हैं और ये जो है तो ये लॉन्ग टर्म बेरिशनेस का साइन है। अभी तक हम वीकली जो 20 मंथ का जो एवरेज है उसके ऊपर है, तो थोड़ा सा वह ब्रीदर है, मगर हम एवरेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मंथली चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिखेंगे जो है, पहला सपोर्ट है 33,600 का, उसके बाद में 32,400 का, और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 31,050 का रहेगा। तो ये एक के बाद एक आते हुए देखेंगे ये लेवल हमें, अगर सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो ऊपर के लेवल पे मंथली चार्ट पे। जब तक बैंक निफ्टी 35,800 को क्रॉस करके मंथली क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं देता है, तब तक हम रिवर्सल के कोई साइन नहीं देखेंगे। यहाँ मोस्टली हम नीचे के लेवल लगभग 80-90% आने की ज़्यादा संभावना है। और यहाँ जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास अभी भी प्रॉफिटेबल पोजीशन है, उन्हें सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे के लेवल पे आपको फिर से माल खरीदने को मिलेगा। तो यहाँ जैसे मैंने कहा था, जिन्होंने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होगा उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सभी हिट हो चुके हैं लगभग, क्योंकि हम रिकॉर्ड लो लेवल पे आ चुके हैं स्टॉक वाइज। अभी इंडेक्स वाइज इतना हम गिरे नहीं, मगर स्टॉक वाइज जो गिर रहे हैं वो ऑलरेडी जिनके पास पोर्टफोलियो उन्हें पता ही होगा कि किस तरह से स्टॉक में वेल्थ डिस्ट्रक्शन चालू है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस वीक हम लगभग 5.5% नीचे बंद हुए हैं, लगभग 2000 पॉइंट डाउन। लास्ट वीक हमने लगभग 1200 पॉइंट का लॉस देखा था, 3% डाउन बंद हुए थे। और ये बैंक निफ्टी के लिए लगभग चौथा हफ्ता है जिसमें हम लॉस के साथ बंद हो रहे हैं। पहले दो हफ्ते इतना लॉस नहीं दिखा हमें, मगर बाद में जो है तो ऊपर के लेवल से हमने अच्छे खासे सेल ऑफ आता हुआ देखा है बैंक निफ्टी में। और हम जो है तो मेजर एवरेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सुपर ट्रेंड पे फ्रेश सेल सिग्नल आ चुका है और यहाँ जो नीचे की तरफ सपोर्ट दिख रहा है एज पर वीकली चार्ट वो है 33,200 और उसके बाद में जो है तो 31,050 का जो सपोर्ट बताया था वो है। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये है लगभग 29,900, तो 30,000 पकड़ लीजिए। ये जो है तो ये 200 वीक का एवरेज है, तो उसको भी हम टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। अगर उसके नीचे स्लिप कर गए तो हमें और शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में, जो लेकर जाएगी 28,500 से लेकर लगभग 23,600 के। मगर यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि कम से कम 30,000 से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एक बाउंस बैक देख कर जाएगा, उसकी संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ मीडियम टू लॉन्गर टर्म जो टारगेट है अभी फिलहाल के लिए मुझे एज पर वीकली चार्ट लग रहे हैं वो 33,200, उसके बाद में 31,050 और उसके लास्ट में 30,000 का टारगेट भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और यहाँ जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की तरफ 35,800 का लेवल, उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली और शॉर्ट हंटिंग रैली देखेंगे जो बैंक निफ्टी को लेकर जाएगी 39,000 के लेवल की तरफ। उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 10% है, बाकी 90% नीचे के लेवल आने की संभावना है। अगर कुछ मैजिकल होता है वॉर फ्रंट पे या ग्लोबली तो ही हम रिवर्सल देखेंगे। अगर 35,800 क्रॉस कर लेता है वीकली क्लोजिंग पे तो आपको बैंक निफ्टी पे बुलिश व्यू बना लेना चाहिए, अगर वो होता है तो, उसकी संभावना बहुत ही कम है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे जो मैंने टारगेट दिया था आपको वो अचीव हो चुका है, 34,250 का टारगेट आज बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया। आज का हाई था लगभग 35,172
और लो था लगभग 34,153, तो ऑलरेडी हम लगभग 1000 प्लस पॉइंट का रेंज देख चुके हैं और 250 का टारगेट बैंक निफ्टी अचीव कर चुका है। अभी यहाँ जो है तो हम जैसे 250 के नीचे जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 32,500 का रहेगा और वो मुझे लगता है कि अगले वीक आ सकता है अगर हम 250 के नीचे स्लिप कर गए तो यहाँ उसके नीचे ही आपको शॉर्ट करना है अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको 34,250 अगर ब्रेक होता है तो स्विंग ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 34,600 का और जो टारगेट बनेगा वो 32,500 का टारगेट आपको आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि 36,250 को टच करने की जो 200 डेज का एवरेज है, तो यहाँ जो है तो यहाँ एक मिनिमम सपोर्ट है, ये छोटा सा सपोर्ट समझ लीजिए जो है 34,250 का। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो 36,250 तक लेकर जाएगी निफ्टी, बैंक निफ्टी को। उसकी संभावना भी बहुत कम है, जिस तरह से हम गिर रहे हैं मुझे लगता है कि हम ये जो गिरावट है ये कंटिन्यू करेंगे आने वाले हफ्तों में भी, क्योंकि वीकली और मंथली चार्ट दोनों बहुत ही बेरिश है, तो रिवर्सल की संभावना बहुत ही कम है। रिवर्सल आ सकता है, आ नहीं सकता ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो है। अगर रिवर्सल आता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है, इसीलिए हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट जो शॉर्ट लेना है तो मेरी सलाह रहेगी कि 250 ब्रेक होने के बाद लीजिए, 600 का स्टॉप लॉस रखिए और जो टारगेट बनेगा वो बनेगा हमारा 32,500 का। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी अगर वो लेवल ब्रिज होता है तो हम एट द मनी ऑप्शन जो है तो 34,250 का पुट ऑप्शन उसमें एक्युमुलेशन करना शुरू कर दीजिए स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेम रहेगा। अगर फ्यूचर जो है तो 34,600 को क्रॉस करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर हम 32,500 का लेवल देखते हैं तो मुझे लगता है कि उस ऑप्शन में हमें लगभग 2x टू 3x गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ जब मार्केट स्लिप होगा तो मोमेंटम और भी ज़्यादा बिल्डअप होगा, तो उसकी वजह से जो और वीक्स शूटअप होगा तो उसकी वजह से जो प्रीमियम से वो प्रॉप अप हो जाएगी और आपको अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मोस्टली हमारा फोकस रहेगा जो 34,250 का लेवल है उस पर, और नीचे जो टारगेट पे फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा 32,500 का टारगेट। उसके नीचे जो हमने वीकली चार्ट पे देखे वो भी लेवल आ सकते हैं, और उसके भी नीचे गए तो मंथली चार्ट पे जो लेवल देखे हमने, जो एवरेजेस देखे, वो भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगले वीक में। तो यहाँ बिल्कुल सेल ऑन राइज रहना है आपको, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है। हमने आज देखा किस तरह से हम नीचे ओपन हुए और लगभग 1000 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग रैली देखा, उसके बाद में फिर से जो है तो लगभग 500-600 पॉइंट नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से सेल ऑफ आके। तो इस तरह से दोनों तरह की मूव आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगी, इसीलिए जो है तो लेवल पे प्ले कीजिए विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो लाइव मार्केट में तो मेरी जो प्रीमियम सर्विस है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर चेक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.